गुरुवार यानी 1 फरवरी को बिना एक भी गोली चलाए फ्रांस ने अपनी 3000 वर्ग मीटर जमीन स्पेन को सौंप दी। फिर 6 महीने बाद यही जमीन स्पेन उसे वापस लौटा देगा। क्रिस बॉकमैन ने इस द्वीप की यात्रा की। वो बताते हैं कि द्वीप बांटने की ये परंपरा 350 सालों से बदस्तूर जारी है। हेंडई का फ्रांसीसी बास्क बीच रिसोर्ट स्पेन की सीमा पर स्थित आखिरी शहर है। इसकी घुमावदार रेतीली खाड़ी पर ऐसा लगता है सैकड़ों सीलों ने अपना डेरा जमा रखा है, लेकिन और ध्यान देने से ये दिलेर सर्फर नजर आते हैं। यहाँ ठीक एक बड़े से बांध के बाद स्पेन का ऐतिहासिक शहर होंडेरिबिया और विशाल इरुन है। यहाँ नदी बिदासो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यह नदी के बीचों बीच पेड़ों और छटाई किए घासों से भरा एक दुर्गम शांत द्वीप है। साथ ही 1659 के दौरान यहाँ हुई उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना के प्रतीक स्वरूप एक पुराना स्मारक भी है। एक लंबे युद्ध के बाद करीब 3 महीने तक स्पेन और फ्रांस ने इस द्वीप को लेकर आपस में बातचीत की, क्योंकि इसे तटस्थ क्षेत्र माना जाता था। दोनों ओर से लकड़ी के पुल बनाए गए थे, दोनों सेनाएं खड़ी थी। इस वार्ता के दौरान शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पाइनिस की संधि कहा जाता है। इस क्षेत्र की अदला बदली की गई और सीमाएं भी तय की गई। एक अन्य विवरण के अनुसार ये द्वीप दोनों देशों के बीच 6 महीने के लिए शेयर किया जाता है। 1 फरवरी से 31 जुलाई तक ये स्पेन के पास रहता है और बाद में 6 महीने फ्रांस के पास। ऐसी व्यवस्था को सम्मिलित शासन कहते हैं और फ्रांसिस द्वीप पर यह परंपरा बहुत पुरानी है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।